नमस्कार बच्चों आज हम एक बार फिर से बात करेंगे आपकी स्टडी की आपकी पढ़ाई की बात करेंगे हम आपके एग्जाम की और बात करेंगे हम आपके काम की सुबह मॉर्निंग के समय में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं यानी कि चाहे आपके पास हो मेरे पास हो सभी के पास दो ऑप्शन होते हैं एक ऑप्शन ये होता है कि हम सोए रहें सोए रहें और लंबे लंबे सपने देखें सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि हम उठ जाएँ जाग जाएँ अपने सपनों को अपने ड्रीम्स को अपने टारगेट को हम चेज करें अभी का जो टाइम पीरियड है एग्जाम से थोड़े दिन पहले का जो टाइम पीरियड है सबसे इंपॉर्टेंट सबसे क्रिशियल टाइम पीरियड है अगर हमें अपने सपनों को चेज करना है अगर हमें अपने टारगेट को अचीव करना है तो हमें उठना होगा हमें जागना होगा पॉजिटिव वे से हमें आगे बढ़ना होगा हाँ एक चीज़ और याद रखनी है कि जब हम टारगेट को अचीव करने के बारे में सोचते हैं सक्सेस के बारे में सोचते हैं तो यहाँ पे एक्सक्यूज़ के लिए कोई जगह नहीं होती अगर आपके पास एक्सक्यूज है तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी क्योंकि एक्सक्यूज़ और सक्सेस के आपस में नहीं बनती जिस पर्सन के पास बहाने होंगे उसे सफलता नहीं मिलनी है जिसको सफलता मिलेगी उसके पास बहाने नहीं रहेंगे इस बार अगर हम एग्जाम की बात करें स्टडी की बात करें आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ होंगे बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सारे एक्सक्यूज है इस बार तो कोविड था क्लासेज ही नहीं लगी थी ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाई थी ऑनलाइन कुछ समझ में नहीं आ रहा था YouTube पे बात करें कोई ढंग का पढ़ाता ही नहीं है टीचर का मेरे समझ में नहीं आता हमारी टीचर तो कुछ करवाती नहीं मतलब इस टाइप के एक्सक्यूज़ आपने भर रखे होंगे लेकिन याद रखिए सक्सेस चाहिए या फिर एक्सक्यूज़ रखने हैं क्योंकि जो हमारी गाड़ी है उसमें उतना स्पेस नहीं है कि दोनों चीज़ें एक साथ आ जाए एक ही चीज़ आनी है आपको क्या करना है आपको अब एक तो अपना माइंड सेट चेंज करना है पॉजिटिव वे से हमें सोचना है और पॉजिटिव वे के साथ सोचने के साथ साथ हमें अपना हंड्रेड परसेंट देना है यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास रिसोर्सेज क्या है हमारे पास टाइम है टाइम कितना है टाइम हमारे पास लिमिटेड है तो हमें ये पीछे का जो कुछ भी है उसको साफ़ कर दो छोड़ दो जो कुछ हुआ सो हुआ अब हमें यह सोचना है कि ये जो ट्वेंटी फाइव थर्टी डेज है हमारे पास या फिर जो एग्जाम डेज है हमारे पास उन एग्जाम डेज में हमें कैसे स्टडी करनी है कि हम अपने टारगेट को अचीव कर पाए अल्टीमेट हमारा टारगेट क्या है हमने जो भी टारगेट सेट किया था वहाँ तक हमें पहुँचना ना चाहे वो आपका नाइन्टी परसेंट का है चाहे वो आपके नाइन्टी फाइव परसेंट का है और वो टारगेट अभी भी अचीवेबल है यानी कि आप वो अभी भी अचीव कर सकते हो थोड़ा सा हमें एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे जाना होगा तो आज के इस वीडियो में इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जो हमारे पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड है कम समय उसमें हम पढ़ करके कैसे 90 95 परसेंट का जो टारगेट हमने सेट किया था उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं किस तरीके से हमें तैयारी करनी है क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है तो कुछ प्रैक्टिकल सी हम बातें करेंगे यानी कि हवा हवाई बातें नहीं करेंगे जो आपके काम की बातें हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस एपिसोड की और बात करेंगे कि कैसे हमें यहाँ पर फोकस करना है और कम से कम समय में पढ़ करके अपने टारगेट को हमें अचीव करना है तो सबसे पहले हमें चेंज करना अपने माइंड को बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव मतलब अगर आपने ये माइंड रखा हुआ है कि नहीं इस बार का साल तो बर्बाद हो गया हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं तो आप फोकस ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आप अपना हंड्रेड परसेंट नहीं दे पाओगे हमें क्या करना है अपना हंड्रेड परसेंट देना लाइफ में याद कीजिए कभी आपने हंड्रेड परसेंट दिया नहीं दिया जिस दिन आप हंड्रेड परसेंट दे दोगे ना आग लगा दोगे आप मतलब आप में वो फायर है वो पावर है आप हंड्रेड परसेंट देने की कोशिश तो कीजिए ये जो ट्वेंटी फाइव थर्टी डेज है बहुत ज्यादा है तो अपने माइंड सेट को हमें चेंज करना है और माइंड सेट को चेंज करने के साथ साथ हमें प्रैक्टिकली वो चीजें करनी है ओके ऐसा नहीं कि सिर्फ माइंड सेट चेंज कर लिया और अपने आप हो जाएगा ऐसा नहीं प्रैक्टिकली हमें एफर्ट्स करने हैं हमें अपनी एनर्जी लगानी है जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो एथलीट होते हैं वो एथलीट जब दौड़ते हैं मान लीजिए कि वो फोर मीटर की रेस है तो वो थ्री मीटर की रेस तक सारे एक बराबर होते हैं लास्ट का जो हंड्रेड मीटर होता है उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं वहीं से वो डिफरेंस क्रिएट होता है तो हमारा ये जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड वही लास्ट के हंड्रेड मीटर है पूरी एनर्जी लगाइए पॉजिटिव वे से लगाइए प्रैक्टिकल वे से लगाइए सिर्फ सोचना ही है जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि एक बार हमारे स्कूल में असेंबली में आए थे कोचेज आए थे स्पेशलिस्ट आए थे तो उन्होंने फुटबॉल के बारे में बताया था उनके आसपास कहीं पे एक कोचिंग सेंटर या फिर इस टाइप से एकेडमी भी थी तो उन्होंने बताया कि फुटबॉल कैसे खेलते हैं किस तरीके से तो बच्चों को मोटिवेट किया गया था फ़ुटबॉल के लिए तो एक बच्चा है वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुआ उस चीज़ से वो घर पे पहुंचा और घर पे पहुंचने के बाद उसने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया इंटरनेट के ऊपर सर्च किया हाउ टू प्ले फुटबॉल या जो स्किल्स थी बेस्ट स्किल्स थी उससे रिलेटेड वीडियोस को सर्च किया ओके वो तीन चार पाँच दिनों तक लगा रहा उसने वो जो बेस्ट फुटबॉलर थे उनकी स्किल्स को देखा उसके बाद संडे को जो उनके आस का पार्क था वहाँ पर मैच होते थे वहाँ पर वो पहुँच गया और बड़ा कॉन्फिडेंट था कि आज फुटबॉल के मैच में मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ मतलब सब देखते रह जाएंगे क्योंकि मेरे पास बेस्ट स्किल्स है क्योंकि जो एक्सपर्ट्स थे बेस्ट प्लेयर्स थे उनके टिप्स को वो सुन करके देख करके आ रहा था जब वो ग्राउंड में गया तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि उसने सोचा था क्यों नहीं हुआ क्योंकि उसने सिर्फ देखा था ये जो चीज़ें होती है वो देने की बात आती है प्रैक्टिकली बात आती है कि सिर्फ सुनना नहीं है हमें वो प्रैक्टिकली करना है तो पहली चीज ये कि आपको सोचना है आप कर सकते हो कर सकते हो तो वो हो जाएगा क्योंकि कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती कोई भी चीज आसान नहीं होती बहुत बार मैं बोलता हूं अगर आप मानोगे मुश्किल है तो सब चीजें मुश्किल है अगर आप ये मानोगे कि आसान है तो सब चीजें आसान है आपके मानने के ऊपर आपके ठानने के ऊपर है मान लोगे तो हार हो जाएगी ठान लोगे तो जीत हो जाएगी 20-25 दिनों में भी आप टॉपर को बीट कर सकते हो क्लास को टॉप कर सकते हो तो अपने माइंड सेट को चेंज कीजिए सबसे पहले सेकेंड चीज आपको डोंट एक स्ट्रेस आपको स्ट्रेस नहीं लेनी है डोंट कंपेयर ओके डोंट टेक स्ट्रेस आपको स्ट्रेस नहीं लेनी है बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है ना ही आपको किसी से कंपेयर करना है आपसे आगे जो टॉपर है उतने कितने चैप्टर कर लिए आपके फ्रेंड्स कितनी कोचिंग में जा रहा है वो क्या कर रहा है तो स्ट्रेस भी नहीं लेना है हमें ज़्यादा ना ही हमें किसी से कम्पेरिजन करना है कि वो क्या करा है क्या नहीं करा आप अपनी रूटीन को फॉलो कीजिए जैसे एक स्टूडेंट का कल ही कमेंट आया था आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको मिल भी जाएगा उसका ये था कि काफ़ी कोशिश कर ली सर पिछले कुछ दिनों से मुझसे सुबह उठा ही नहीं जा रहा किसने बोला सुबह उठने के लिए आपके फ्रेंड्स उठते होंगे ना किसने बोला है कि सुबह उठोगे तभी आप टॉप कर पाओगे सुबह उठोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी आपका जो रूटीन है उसी को फॉलो कीजिए ना नाइट स्टडी कीजिए रात को अगर एक बजे तक घरवाले नहीं सोते आप एक बजे तक नहीं सोते सुबह कहाँ से उठ जाओगे उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए ना आप अपने कंफर्ट जोन में आप वहां जहां पर कंफर्टेबल फील करते हो उसी के अकॉर्डिंग अपने पैटर्न को ढालिए ओके तो हमें स्ट्रेस नहीं लेनी है स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होने वाला स्ट्रेस कम कब होगा जब हम प्रैक्टिकली पढ़ना शुरू कर देंगे ओके तो स्ट्रेस नहीं लेनी है और कंपेयर नहीं करना किसी से को जो कराए जैसे कराए उसको करने दीजिए आप अपना शेड्यूल प्रिपेयर कीजिए ओके थर्ड थिंग है सेट योर टारगेट भाई टारगेट होता है ना मज़ा आ जाता है टारगेट सेट कीजिए कि आपको क्या चाहिए कितना चाहिए जब हम टारगेट सेट कर लेते हैं चाहे वो आपके मार्क्स का टारगेट हो चाहे आपका पर डे का टारगेट हो कि आपके इतने चैप्टर पढ़ने चाहे आपके सब्जेक्ट का टारगेट होगा आपको तीन दिनों में मैथ्स को निपटाना है तीन दिनों में आपको इंग्लिश को निपटाना है तीन दिनों में आपको साइंस को निपटाना है तो टारगेट सेट करते ना भाई पढ़ने का मजा आता है हर चीज़ में मजा आता है ना बिना टारगेट के तो आप देखिए छोटा सा काम होता है घर वाले देते हैं या आपका छोटा सा काम होता है फोटो स्टेट करवा के लेके आने कितने दिन निकाल देते हो छः सात दिन निकाल देते हो कल जाएंगे कल जाएंगे क्योंकि आपने टारगेट फिक्स नहीं किया तो टारगेट को फिक्स कर लीजिए उसके बाद आपके पास वो चीज़ें एक एनर्जी मिलेगी एक पॉजिटिविटी या पॉजिटिव वाइब्स आप में से आएगी कि हाँ भाई ये करना है और इससे पहले करना है तो टारगेट सेट करना किस चीज़ का एक तो अपने मार्क्स का कि आपको कितना चाहिए टारगेट सेट करना आपको चैप्टर्स कितने एक दिन में कंप्लीट करने टारगेट सेट करना आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने दिनों में निपटाना है ओके ये सब कुछ कर लो तो ये शुरुआत के जो तीन पॉइंट है वो माइंड सेट के हैं ओके okay, कि आपका माइंड सेट होना चाहिए कि हम करने वाले हैं और हम करके रहेंगे ओके okay, क्लियर अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल टिप्स की कि ठीक है हमने माइंड चेंज कर लिया हम करने वाले हैं तो हमें प्रैक्टिकली करना क्या है पहली चीज़ आपको ये मानना है कि हमारे पास अब जो टाइम पीरियड है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि सिलेबस में डूब ही जाए अब डूब जाएंगे तो डुबक डुबक की आवाज़ आएगी हम नीचे ही डूब ही जाएंगे हमें क्या करना है हमें पढ़ना है कम टाइम में ज्यादा पढ़ना है तो पहला जो रूल रहेगा कि नॉट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट सब कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता यह आपको याद रखना है आपको जैसे चैप्टर को आप रीड रहे हो चाहे वो इंग्लिश का हो साइंस का हो सोशल साइंस का हो किसी भी सब्जेक्ट का तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट की टर्म्स बनती है आपको उन की टर्म्स को समझना है कंसेप्ट को समझना बाकी चीजें लिख लोगे यार आपको इतना तो समझ में ना कि आपको की टर्म्स जैसे इंग्लिश में आपकी समरी आपकी हो जाती है तो छोट छोटी छोटी चीजें जो डिटेल्स है तो उसको आप उस तरीके से एलोबरेट तो कर पाओगे प्रॉब्लम नहीं आएगी सोशल साइंस में आपको की कंसेप्ट को समझना है तो वो सारी चीजें आप लीजिए जैसे अगर हम बात करें सोशल साइंस के चैप्टर्स की बात करें एक चैप्टर को आप करते रहो तो आप सेवन डेज में भी निपटा सकते हो और उसी चैप्टर को आप दो घंटे में भी निपटा सकते हो समझ रहे हो ना कि हमें की कंसेप्ट समझने एग्जाम्पल्स वगैरह आप अपनी तरफ से बना करके दे दोगे तो ये आपको समझना है कि हमें सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है जैसे जहाँ पर हेडिंग दी गई तो वो क्या चीज़ है हमने वो चीज़ें कर ली जैसे अगर हम बात करें आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो चैप्टर है आपका सोशल साइंस का विनिर्माण उद्योग चैप्टर है टेंथ क्लास की अगर हम बात करें तो उसकी अगर बात करें तो विनिर्माण क्या होता है ओके पता होना चाहिए आपका विनिर्माण क्यों इंपॉर्टेंट है कॉमन सी बात है भाई इस टाइप की इंडस्ट्रीज होगी तो क्या क्या हो सकता है बस थोड़ा सा एक बार रीड कर लिया उसके बाद इनका क्लासिफिकेशन कितने टाइप की इंडस्ट्रीज होती है उसके बाद कि ये इंडस्ट्रीज कहाँ पर सेटअप होती है ये हो गया और उसके बाद क्या करना है छोटी छोड़ छोटी चीज़ें हम करते जाएंगे जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास है क्यों है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो मुंबई अहमदाबाद के आसपास क्यों है हुगली जो रिवर उसके आसपास आपकी जूट इंडस्ट्री क्यों ये इस टाइप के कोपमन क्वेश्चन है जिसको हमें सिर्फ एक हेडिंग चेक करनी है उसके बाद ये कि इंडस्ट्रीज की बाद हम बात करेंगे इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स उनके सॉल्यूशन यानी कि ऐसे मोटे तौर पे हमने देख लिया तो ये हमें हर सब्जेक्ट में करना है कि जो मेन आपके पॉइंट्स है उनके ऊपर फोकस करना है डीपली स्टडी नहीं करनी सारी चीज़ें नहीं करनी है क्लियर अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने टॉपर स्टूडेंट है उसकी हेल्प ले सकते हो कि भाई बता दो क्या क्या इंपॉर्टेंट है अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो क्लियर उसके बाद दूसरा ये कि हमें इस वक्त जब हम स्टडी करेंगे ठीक है हमने ये कर लिया कि हम सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करने वाले हैं अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं भाई ये समझ में नहीं आया अब कैसे आएगा इसमें से एक और चीज़ भी है कि आप जैसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठा सकते हो लास्ट टू थ्री ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए जैसे मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के डाल रखे हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर अब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से वो क्वेश्चन जो आपके रिपीट होते रहते हैं तो उन क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाता है कि भाई ये टॉपिक तो आएगा पिछली बार आ चुका है दो बार आ चुका है तो उन टॉपिक्स के ऊपर हमें फोकस करना है ओके ये हो गया उसके बाद ये कि हम जब स्टडी करेंगे तो ओपन माइंड अप्रोच को फॉलो करना है ओपन माइंड अप्रोच ये होता है जैसे आपने वि निर्माण उद्योग जो हम अभी बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उसको हमने पढ़ा तो हमें ये सोचना है कि ये टू मार्कर में आएगा थ्री मार्कर में आएगा तो हम लिखेंगे कैसे तो अपने माइंड को खोल के रखना कि अच्छा इसमें या है ना विनिमांड तो ये आ जाएगा और हम एक दो एग्जाम्पल दे देंगे अच्छा अगर ये आ गया कि हुगली के आसपास ही जूट पट्सन इंडस्ट्री क्यों है तो हम अपने माइंड को सोच के रखेंगे भाई ये छः सात पॉइंट लिख देंगे क्लाइमेट हो गया वाटर हो गया रॉ मटेरियल हो गया लेबर अवेलेबल है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है पोर्ट हो गया बस ऐसे माइंड में रखो कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो लिखेंगे कैसे तो जब हम पढ़ेंगे तो वो माइंड में सेट करना है कि कैसे हमें इसको लिखना है जैसे कोई क्वेश्चन टफ आ रहा है आपको लग रहा है भाई इसमें तो बात नहीं बनेगी फाइव मार्कर के अकॉर्डिंग तो याद ही नहीं हो पा रहा है डेफिनेशन याद हो पा रही है बस इतना याद हो पा रहा है तो उसमें क्या करोगे आप माइंड सेट कीजिए कि हम इसमें कोई डायग्राम ऐड कर सकते हैं चाहे सोशल साइंस हो साइंस हो तो कैसे हम इसको फाइव मार्कर की तरफ लेके जाएंगे तो वो सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि जैसे कोई कंसेप्ट है कोई चैप्टर है उसके आपने इंग्लिश में समरी कर ली जस्ट समरी कर ली क्योंकि आपके पास टाइम इतना ही है तो समरी कर ली तो अपने माइंड में रखिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को शुरुआत में हमें कुछ इस तरीके से मोड़ना है आगे हम उस समरी को एडजस्ट कर पाएंगे कैसे करेंगे वो आपको पढ़ते हुए ध्यान में रखना है ठीक तो ये आपको रखना है तो इससे भी आपकी स्टडी है उसमें हम कम पढ़ेंगे लेकिन क्लियर रहेगा कि हमें कैसे लिखना है क्या लिखना है स्कोर बेटर आपका हो पाएगा उसके बाद है हमें स्टार्ट कैसे करना है जब भी हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज प्लस जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं उनके साथ स्टार्ट कीजिए उनके साथ स्टार्ट मतलब सोल्व नहीं करना जैसे आप मान लीजिए चैप्टर को स्टार्ट करे हो आप चाहे वो साइंस का करे हो किसी भी चीज़ का तो उसमें एनसीआर टी का एक्सरसाइज के साथ जाइए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो इस बार एटलीस्ट वैसे हर बार ही होता है कि आपके एनसीआर की एक्सरसाइज में से ही उठाए जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन तो एज इट इज आपको क्वेश्चन ध्यान में आ गया दूसरा ये कि आपको एक माइंड में ये चीज़ें रहेगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से रहेंगे क्लियर चाहे वो प्रीवियस ईयरस के क्वेश्चन पेपर है तो उससे भी आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन रहने तो आप जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फाइंड आउट करोगे कि हमें क्या एग्जैक्टली exactly पढ़ना है तो आपके लिए फाइंड आउट करना ईजी हो जाएगा ठीक तो आप बुक उठाओगे तो बुक उठाओगे तो एनसीआर की जो टेक्सुअल एक्सरसाइज होती है तो वो क्वेश्चन पहले देख लीजिए सिर्फ क्वेश्चन को देखना है उसके बाद उस चैप्टर को पढ़िए तो आइडिया रहेगा कि हमें क्या पढ़ना है और किसके ऊपर हमें जंप लगानी है स्किप करना उनको उसके बाद हम यहां पे बात करेंगे कि मस्ट टॉपिक्स डू वेल अब ये मस्ट टू टॉपिक्स कौन से होते हैं भाई हमें तो मिले नहीं ना सी ने कहीं पर डाल रखें मस्ट टू टॉपिक्स का मतलब ये होता है कि जैसे जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं समझ रहे हो ना एक्सपीरियंस टीचर मतलब जो अच्छे टीचर है वही एक्सपीरियंस्ड है अदरवाइज़ ये एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं कि कई टीचर्स अगर टीच भी करें और उतना ज़्यादा अगर वो फोकस नहीं करें अपने सब्जेक्ट के ऊपर तो वहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर नहीं करें एक्सपीरियंस जो टीचर होते हैं वो आपको बताएंगे कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं कन्फर्म होते हैं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जैसे मान लीजिए ट्वेंटी सिलेबस होता है उसमें से आपके सेवेंटी फाइव परसेंट क्वेश्चन आते हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट आपका जो सिलेबस होता है उसमें से आपके सेवेंटी फाइव परसेंट क्वेश्चन आते हैं यानी कि छोटा सा एक सिलेबस है उसी से रिलेटेड आपका सेवेंटी फाइव परसेंट स्कोर हो जाता है अब वो सेवेंटी फाइव परसेंट स्कोर कौन से टॉपिक में से होता है वो टॉपिक आपको सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे यानी कि अगर आपको सेवेंटी फाइव परसेंट पर जाना है ठीक है भाई ट्वेंटी फाइव परसेंट से ही काम चल जाएगा आपका वो टॉपिक आपको फाइंड आउट करना है अपने टीचर से पूछिए वो आपको बता देंगे जैसे आप मस्टू की बात करते हैं तो मैंने भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर जब चैप्टर डिस्कस किए तो उसमें भी डिस्कस किया कि ये टॉपिक आपके रहेंगे इम्पोर्टेंट इसमें से एक क्वेश्चन तो बनेगा बनेगा इसमें से फाइव मार्कर क्वेश्चन बनेंगे बनेंगे मैंने सारी डिटेल में जब चैप्टर को डिटेल में दिया है, तब भी डिस्कस किया मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए तब भी मैंने यही चीजें फोकस किए कि ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें से क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर में से फाइव मार्कर बनेगा तो यहीं से बनेगा तो वो जो ट्वेंटी है उन टॉपिक के ऊपर फोकस कीजिए बाकी टॉपिक के ऊपर उतना फोकस नहीं करना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं तो वहां पर हमें फोकस ही नहीं करना है तो वो भी आपको करना है वो फाइंड आउट कर लीजिए ओके अदरवाइज आप मुझे कहोगे तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा उसके बाद है वन शॉर्ट वीडियोस इस वक्त जब आप रिवाइज करोगे तो वन शॉर्ट वीडियोस हैं उनके थ्रू आप चैप्टर को करने की कोशिश कीजिए वन शॉर्ट वीडियो मतलब जैसे एक घंटे का हो सकता है दो घंटे का मैक्सिमम हो सकता है डेढ़ घंटे का हो सकता है यानी कि बीस पच्चीस मिनट वाला है जैसे साइंस में सोशल साइंस में अगर 20-25 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस अगर देख रहे हो चैप्टर के लिए तो तो काम के नहीं रहेंगे पूरा वन शॉट वीडियोस या फिर वो पार्ट्स में है तो भी वो एक डेढ़ घंटे भी चैप्टर कवर हो रहा है तो उससे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे दो दिनों में आपका पूरा सिलेबस कवर होता है एक सब्जेक्ट का तो उनसे भी आप करोगे तो थोड़ा सा वो चीज़ें जब आप क्लास में फोकस नहीं किया कोचिंग आपने नहीं ली तो यहाँ पर कवरअप हो जाएगी क्योंकि अब आप पॉजिटिव माइंड के साथ बैठे हो तो आपको करना है नाइन्थ जो हमारा रहेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हमें माइक्रो नोट्स बनाने हैं साथ साथ माइक्रो नोट्स मतलब जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो अपने हाथ को चलाते रहिए उसमें से की पॉइंट्स लिखते रहिए अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस देख रहे हो तो कुछ की पॉइंट्स आप नोट करते रहिए तो उसके बाद क्योंकि टाइम पीरियड ये पहले रिवीजन के लिए भी आपके पास कम है सेकंड में और कम रहेगा आपके पास तो उसमें आप की पॉइंट्स को देख करके याद कर पाओ तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस को कवर कर पाओगे क्योंकि जब आप पहली रिविज़न करे हो फास्ट करे हो सेकेंड रिवीजन है तो एक चैप्टर को आप 20 से 25 30 पैंतीस मिनट में कर पाओगे मैक्सिमम तो ये हमें ध्यान रखना है अगर इस वे से आप करोगे तो आपका सिलेबस अब बहुत फास्ट तरीके से होगा हम इन डेज़ में दो रिविज़न आराम से मार सकते हैं बीस पच्चीस दिनों में उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो है ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ दो दिन पहले आपके साथ एक और वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर की थी कि इस वक्त डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है पढ़ने में मन नहीं लग रहा है मोबाइल फ़ोन है उससे पीछा नहीं छूट रहा है मोबाइल की तरफ अपने आप हाथ चले जाते हैं उसके बाद इंस्टाग्राम आ जाता है इंस्टाग्राम के बाद मौज आ जाता है यूट्यूब आ जाता है दिन चला जाता है फिर सोचते हैं कि भाई कल से पक्का पढ़ेंगे कल कल के चक्कर में आपके दो महीने निकल चुके हैं तो हम पढ़ाई में मन कैसे लगाएं प्रैक्टिकली तरीके से आपको बताया कि मोबाइल को कैसे हम कंट्रोल में रखें कैसे हम स्टडी के ऊपर फोकस करें तो वो चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा आज के लिए बस इतना ही थैंक यू बाय बाय हैव अ नाइस डे